भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाहियों का दौर निरंतर जारी है। बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उप महानिरीक्षक जोधपुर के निर्देशन में जालोर एसीबी की टीम ने बाड़मेर के सेड़वा के बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। एसीबी जालोर टीम ने सरूपे कातला के पटवारी गिरीश कुमार को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पटवारी ने खेत की म्यूटेशन के एवज में परिवादी निजामुद्दीन से रिश्वत के रूप में 5,000 रुपए की मांग की थी। परिवादी की शिकायत के बाद एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कर रिश्वत राशि के साथ आरोपी पटवारी गिरीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। सिड़वा से ताज मोहम्मद की रिपोर्ट। भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाहियों का दौर निरंतर जारी है। बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उप महानिरीक्षक जोधपुर के निर्देशन में जालोर एसीबी की टीम ने बाड़मेर के सेड़वा में बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। एसीबी जालोर टीम ने सरूपे कातला के पटवारी गिरीश कुमार को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पटवारी ने खेत की म्यूटेशन के एवज में परिवादी निजामुद्दीन से रिश्वत के रूप में 5,000 रुपयों की मांग की थी, जिसके बाद परिवादी निजामुद्दीन ने एसीबी को पटवारी द्वारा 5,000 की रिश्वत मांगने की शिकायत की गई थी। बुधवार को जालोर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महावीर सिंह राणावत की टीम ने धनाव में किराए के मकान में रह रहे पटवारी गिरीश कुमार को 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया। जालोर एसीबी के निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि परिवादी निजामुद्दीन ने एसीबी को शिकायत कर बताया था कि उसके पिताजी की फोत में म्यूटेशन के एवज में पटवारी 5,000 रुपए की मांग कर रहा है। परिवादी की शिकायत के बाद एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कर रिश्वत राशि के साथ आरोपी पटवारी गिरीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। परिवादी निजामुद्दीन अपने पिताजी के फोत की म्यूटेशन बनवाने के एवज में पटवारी के पास गया। पटवारी ने उससे रिश्वत की मांग की, जिस पर परिवादी निजामुद्दीन पुलिस चौकी जालोर एडिशनल एसपी श्री महावीर सिंह जी राणावत से संपर्क किया और उन्हें अपना एक लिखित अभिवेदन दिया, जिस पर एक ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया और आज दिनांक 16 को आरोपी पटवारी श्री गिरीश कुमार ने परिवादी से 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की और 5,000 रुपये धनाऊ स्थित उसके किराए के मकान में 5,000 रुपये प्राप्त किए, जिस पर उसको पूरी टीम के साथ श्रीमान महावीर सिंह जी राणावत एडिशनल एसपी एवं डीआईजी श्री विष्णुकांत जी एंटी करप्शन ब्यूरो जोधपुर के निर्देशन में मुझ टीएलओ राजेंद्र सिंह निरीक्षक की कार्रवाई में उनको गिरफ्तार किया गया और अग्रिम कार्रवाई उसमें जारी। एसीबी उप महानिरीक्षक के निर्देशन में हुई इस कार्यवाही के दौरान जालोर एसीबी के निरीक्षक राजेंद्र सिंह, टीम सदस्य हेड कांस्टेबल हनीफ, कांस्टेबल गोपाल कुमार, ठाकराराम, कालूराम, आदुराम, रणवीर, मनावत समेत स्वतंत्र गवाह मौजूद रहे।